मैडम मैडम देखिए, मैंने आपको सब सच सच बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया, मां कसम। अब तो मेरे ऊपर वो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं ठोकेंगे ना आप लोग? मैडम देखिए, जिंदगी और मौत का सवाल है। मैडम बोलिए ना मैडम। अम्मा चुप, टोप हो क्या तुम? ऐसा कोई केस बना ही नहीं है, समझे तुम? वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था क्या? एक नंबर के चूरन हो तुम, और मैडम सर ने तुम्हारा काटा, तुमको पता भी नहीं चला है। अब हमारे मस्तक का ना अम्मा करना छोड़ो और हमको सोचने दो कुछ। उस हसीना मलिक ने मुझे उल्लू बनाया, छोड़ूंगा नहीं उसे। ने अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाएगी ना मेरे ऊपर? उसके अटेम्प्टेड मर्डर को अगर फुल प्रूफ मर्डर में ना बदल दिया तो मेरा नाम शंकर नहीं। क्या बोले तुम अभी हसीना मैडम के बारे में? यही कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत चालाक समझती है ना अपने आपको। मतलब तुम हसीना मैडम का पत्ता काट दोगे? हाँ। अच्छा, और मैं तो कह रहा हूँ आप भी मेरे साथ हो जाइए। देखा है मैंने आपको उस हसीना मलिक के खिलाफ होते हुए। आपकी दुश्मन हसीना मलिक और मेरी हल्दी। मुझसे हाथ मिलाइए और मुझे यहाँ से बाहर निकलवाइए। बहुत पैसा है मेरे पास, हम दोनों मिलके उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। तो क्या कहती हो, दोगी मेरा साथ? अम्मा तुम कहाँ थे पहले? क्या आइडिया है तुम्हारा, है मजा आ गया, बढ़िया वाला एकदम आइडिया। पैसा बोलता है मैडम। बोलता है बोलता है, कहा कि हाथ मिलाने के लिए हमको अंदर आना पड़ेगा ना। वेलकम वेलकम। चलो इस बात पे मिलाओ हाथ। तो यहाँ की सासू भैया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हसीना मैडम के बारे में कुछ भी बोलने का? हमारे ही थाना में हमारे सामने खड़े होके तुम हसीना मैडम के बारे में कुछ भी बोलोगे और हम सुन लेंगे क्या? हम कुछ भी कहें उनके बारे में, लेकिन अगर कोई और ये गुस्ताखी करता ना तो उसको मार लगाते हैं, हम मार लगाते हैं कि जिंदगी भर ना अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए तुम मौत का भीख मांगोगे, और महाकाल की कसम हम तुम्हें मरने भी नहीं देंगे, समझे तुम? बोलोगे आप कभी? बोलोगे आप कुछ? करोगे आप गुस्ताखी? करोगे? बोलोगे तुम? करिश्मा सिंह रुकिए, बोलोगे? क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया इसने जो आप इसको इतनी बुरी तरह पीट रही हैं? कुछ नहीं, लेकिन अब अगर इसने कुछ किया ना तो हम दोबारा अंदर आएंगे और किसी के रोकने पे रुकेंगे नहीं, समझे तुम? मम्मी। ब्रेकिंग न्यूज, मशहूर रीजनल टीवी एक्ट्रेस हल्दी का सबसे बड़ा राज खुल चुका है। जी हाँ दर्शकों, लाखों लड़कों के दिलों पे राज करने वाली हल्दी आज सबका दिल तोड़ने वाली है, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। ताज्जुब की बात यह है कि टीवी की दुखियारी बहू का असल जीवन भी दुखियाई निकला। अपने सास ससुर का दुख भोग के छोड़ा उसने अपने पति का घर, और जब अपने माँ बाप के पास अपना दुखड़ा लेकर गई तो उन्होंने भी समाज की दुहाई देकर उसको स्वीकार करने से किया इनकार। अब क्या, अब छोड़ आई है वो अपनी गलियां और आ गई है लखनऊ शहर में अपनी नई पहचान बनाने। पर मेरी भी विडंबना देखो पुष्पा जी, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिली है मुझे और मैं टेलीकास्ट नहीं कर सकता अपने चैनल पे, क्योंकि इस न्यूज के चक्कर में हल्दी की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। पता है पुष्पा जी, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है हल्दी के लिए। हाँ संतु तू सही कह रही है, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है हल्दी के लिए। अब समझ में आ गया कि इतने दुखियारी बहू का किरदार वो इतने अच्छे से कैसे पर्दे पर निभा पाती है। अपने सास ससुर से प्रताड़ित बहू कैसे किसी दूसरी जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनना चाहेगी? क्या पता दी प्रताड़ित? Exactly. इसका मतलब है जली कुटी बातें करना, ताना बाना मारना। पुष्पा जी, आपके भी सास ससुर आपको ऐसे ही परेशान करती थी? हाँ किया थोड़ा बहुत, मगर लल्ला के पप्पा जो थे ना वो बहुत समझदार थे, वो हमारा मन बहुत अच्छे से समझते थे, वो हमेशा कोशिश करते थे कि हमें कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल मेरी तरह है ना? Exactly. इसका मतलब है तुम्हारे पति भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं। ए एक मिनट बदनाम जी, इसकी शादी थोड़ी हुई है। और तो और सुनो तो सही। ए पुष्पा जी क्या हुआ? शर्मा रही है। जब भी हम रूट के मायके चले जाते थे ना तो लल्ला के पप्पा हमें मनाने के लिए पान लेकर आते थे।
सो स्वीट, काश हल्दी भी इतनी किस्मत वाली होती। पर हल्दी का ना पति सपोर्टिव है और ना ही माँ बाप सपोर्टिव है। पता नहीं कैसा समाज का प्रेशर है कि माँ बाप अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं। मुझे तो ऐसी ऐसी घटिया समाज की सोच का हिस्सा ही नहीं रहना है, आपको पता है। आज अगर हल्दी की जगह मैं होती ना, तो मेरे माँ बाप कभी ऐसा नहीं करते। मुझे सपोर्ट करते, मेरा ख्याल रखते, लेकिन कभी ऐसे घर से नहीं निकालते मुझे। पर संतोष जी, आपकी लाइफ में तो ऐसी सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके होने वाला पति बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत हैंडसम भी है, बिल्कुल मेरी तरह। क्यों? एक मिनट, तुम कहां से सुंदर हो भाई? अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चड्डे चीते की गैर मौजूदगी का फायदा मत उठा। बेटा तू अपने साफ सफाई के काम पे ध्यान रख, नहीं तो बुलाओ मैं डीएसपी को। हेलो, आई एम बिलू द स्पाई, मैं किसी डीएसपी से नहीं डरता, समझे? बुला बुला बुला। अच्छा, बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए एक बार, वीडियो बनाता हूं, भेजता हूं। हां, ये आपस में बातें करना छोड़ दो और ये सोचो कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद हम हल्दी को कैसे मनाएं जॉइंट फैमिली में शादी करने के लिए। कुछ सोचा आपने मैडम सर? हमारा मतलब मैडम ऐसा है, आपने कुछ सोचा कि हम कब से दिमाग लगा रहे हैं कि इस राज को इस केस में इस्तेमाल करे तो करे कैसे, लेकिन हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। हम भी कब से वही सोच रहे हैं। ये राज एक एटम बम की तरह हो चुका है, अगर ये फटा तो एक झटके में हल्दी का करियर, पर्सनल लाइफ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें जो कुछ करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। मिल गया आइडिया। क्या करिश्मा सिंह? करिश्मा सिंह, आपका जो भी आइडिया है पहले आप हमें बताइए। मतलब आपके दिमाग में जो भी आइडिया है प्लीज पहले हमें बताइए। हल्दी ने अपनी शादी का इतना बड़ा पार्ट सबसे क्यों छुपाया है? क्योंकि उसे डर था कि उसका राज अगर सारी दुनिया को पता चल जाएगा तो उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस पुष्पा जी, इसी डर का हम इस्तेमाल करेंगे और हम उसको कह देंगे कि अगर वो जॉइंट फैमिली में राजी खुशी सबके साथ रहने को तैयार नहीं हुई ना, तो हम ये राज सबको जाके बता देंगे। देखिएगा कैसे झक मार के भी रहेगी वो सबके साथ जॉइंट फैमिली में। फिर ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेल ही हो गया। फिर हम में और इस शंकर में फर्क क्या रह गया करिश्मा सिंह? कोई फर्क नहीं रहेगा। उसने अपने फायदे के लिए ब्लैकमेल किया है हल्दी को, लेकिन हम ये ब्रिजेश के माता पिता के लिए कर रहे हैं। और हम कौन सा सबके सामने सच उजागर कर देंगे? सचमुच डसने में और फन मारने में फर्क होता है मैडम सर, हम सिर्फ फन दिखाने का बात कर रहे हैं। ये क्या नागिनों वाली बात कर रही हैं आप? देखिए करिश्मा सिंह, बात ना फन दिखाने की है ना डसने की है, बात है जोर जबरदस्ती की। आप जोर जबरदस्ती हल्दी की शादी तो करवा देंगी, लेकिन उसके मन का क्या? उसके मन में वो प्यार, वो इज्जत, वो जज्बात कहाँ से जगाएंगी? आप फिर वही जज्बात वाला बात कर रही हैं, आप समझ ही नहीं रही हैं। उसने पुरानी शादी में बहुत कुछ झेला है, उसको शादी के लिए मनाना नामुमकिन है। लेकिन आप जो रास्ता अपना रही हैं वो भी तो गलत है। करेक्ट। देखिए मैडम सर, अब हम और बहस नहीं कर सकते हैं। जब आप SHO थी तो आप अपने तरीका से काम करती थी ना, अब हम SHO हैं, हम अपने तरीका से काम करेंगे और हम जा रहे हैं अपने तरीका से केस सॉल्व करने। माफ कीजिए लेकिन हम आपको इस तरह से जाने नहीं दे सकते। नहीं, आप हमको नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमको SHO बनाया है और ये कानूनी गलत होगा। और जितना हम आपको जानते हैं, आप कानून नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, हम नहीं रोक सकते, लेकिन DSP सर तो रोक सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर वो आदेश देंगे तो उनका आदेश हम नहीं लांगेंगे, क्योंकि हमारा नियत में ही नहीं है और ये आप बहुत अच्छी तरीका से जानती हैं। क्या हुआ? ओ, DSP सर तो फोन ही नहीं रखते हैं ना, अब आप क्या करेंगी? ओ, आपको ऑर्डर लेने अब उनके घर तक जाना पड़ेगा। जब तक आप उनके घर पे जाएंगी ना, हम केस सॉल्व करके आ चुके होंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट। सुनिए तो, जय मैडम सर, सुनिए तो, हमारी बात तो सुनिए। आप जो करने जा रही है बहुत गलत है। पुष्पा जी, आप तो रहने दीजिए, आपने एक बार पहले ही कबाड़ा कर चुके हैं आप, अब दोबारा हम रिस्क नहीं ले सकते। आप जाइए अंदर। अरे ये क्या कर रही हैं आप? हम भी आएंगे आपके, हम भी उतरेंगे। देखिए देखिए, आप जो करने जा रही है वो गलत है, हमारी बात मानिए और रुक जाइए।
सर आप? हाँ, हम डीएसपी सर से मिलने जा रहे हैं। अब क्या होगा बिल्लू जी? मे द ऑलमाइटी डिसाइड माय चाइल्ड। हम अपने सीनियर्स के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और जो कर रहे हैं ना वो हमें सही लग रहा है इस केस के लिए। क्या थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए हम सीनियर और जूनियर को छोड़कर एक सास बहू की तरह बात कर सकते हैं? कीजिए। आराम से बैठिए, क्या कर रही हैं आप? कैसे चला रही है गाड़ी? आराम से ही चला रहे हैं। देखिए, आप हल्दी को ब्लैकमेल इसीलिए करना चाहती है ना कि आपको ब्रिजेश के माता पिता की चिंता है और इसके लिए हमें आप पे बहुत गर्व है। मगर थोड़ा तो सोचिए, कहीं उनका अच्छा करने के चक्कर में आप उनका बुरा तो नहीं कर रही हैं? देखिए, हम आपकी सास हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं आपको। आप बाहर से कितनी भी सख्ती से पेश आए, हमें कितना भी भला बुरा कहें, मगर हमें कभी बुरा नहीं लगता क्योंकि हम जानते हैं आप अंदर से हमसे बहुत प्यार करती हैं। मगर क्या ऐसा ही प्यार हल्दी अपने सास ससुर से कर पाएगी? देखिए, आपके दबाव में आकर हल्दी अपने सास ससुर के साथ रहने के लिए राजी हो जाएगी मगर उनसे प्यार नहीं कर पाएगी, बल्कि दबाव में जीकर उनसे नफरत करने लगेगी। और प्यारी की तरह नफरत भी चेहरे पर छलकती है जो छुपाए नहीं छुपती। आप हमसे प्यार करती है और वो प्यार आपके चेहरे पे छलकता है, वो छुप नहीं सकता। मगर इस नफरत का एहसास जब हल्दी के सास ससुर को होगा, उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। और एक बात बताए, हम भी एक सास हैं, अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। इसलिए दोनों को अलग अलग रहना ही बेहतर होगा। आप एक बहू के तौर पर सोचकर देखिए ना कि आप ये जो कुछ भी कर रही है क्या वो सही होगा? ब्रिजेश के माता पिता हल्दी के प्यार के हकदार हैं या नफरत के? तो फिर अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं, जो मैडम सर करने जा रही है ना वो उन्हें करने दीजिए। नहीं, वो तो हमारा कंप्लेन कर देंगी ना डीएसपी सर से, हमको कैसे ही हटवा देंगी वो। हाँ तो ठीक ही है ना, वैसे भी आपने ये सब सुलझाने के बजाय उलझा ही दिया है। दो चार प्यार भरी बातें कर ली, आ गई आप। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे द्वार फिर पधारे। जय हिंद सर। जय हिंद। आज हमने टी शर्ट पहन रखी है। सर सॉरी, हम फिर से बिना बताए आ गए। आप प्लीज एक मोबाइल फोन रख लीजिए। अगर हम फोन ले लेंगे तो आप हमारे घर पर थोड़ी आएंगी। मम्मी जी हैं घर पे। अच्छा, आपको उनसे काम था भी बुलाने? नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमें काम दरअसल सर आप ही से है। देखिए, जय हिंद सर। जय हिंद। आप यहाँ? आप इतना चौक खा रही हैं, हम एक ही गाड़ी में तो आए हैं साथ में, अब यहाँ तक आए और भैया से ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है ना भैया? तो हसीना जी, आप कुछ कह रही थी, क्या बात करनी थी आपको? जी सर, हम सर वो यही कह रही थी कि हम, यानी कि हम दोनों आपको धन्यवाद करने आए। आपने जो हमारा पोस्ट का अदली बदली किया है ना, इस चक्कर में हम दोनों का समझदारी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा हो गया है ना। जी सर बिल्कुल, हम कुछ ज्यादा ही अच्छे से एक दूसरे को अब समझने लगे हैं। इनफैक्ट ये हमारी जज्बात वाली फिलॉसफी से इतना ज्यादा मुतासिर हो गई हैं कि इन्होंने ये तय किया है कि ये हर आने वाले केस को जज्बात से सुलझाएंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और ये हमारा लीडरशिप से इतना इम्प्रेस हो गई है कि कह रही है कि हम ही SHO रहे हमेशा के लिए, कि हमसे ये बहुत कुछ सीख रही हैं, है ना? उत्तम, अति उत्तम। इसका मतलब हमारा फैसला सही साबित हो रहा है। तो शीघ्र से शीघ्रतम बताइए कि आप दोनों ने मिलकर क्या योजना बनाई है इस केस को सुलझाने के लिए। कल तो केस का समाधान करना है ना? हाँ, कल करना है ना। सब सोच समझ लिया है अच्छे से मैडम सर ने। हाँ, वो क्या है, सीनियर होने के नाते हम अपने जूनियर को इतना प्रोत्साहित करते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए और उसे एक्सेप्ट भी करते हैं हम, इसलिए आप अपना प्लान ऑफ एक्शन डीएसपी सर को बता दीजिए, हमारी तरफ से अप्रूव है। सर बताना क्या है उसमें, अब सीधा करके ही दिखाएंगे। उत्तम, अति उत्तम।
वक्त से पहले परियोजना तैयार, जश्न तो बनता है, चलिए उत्सव मनाते हैं, रात्रि भोजन साथ में करते हैं। अरे अनु भैया, आप तो जानते ही हैं पुष्पा जी को चिढ़ जाती है अगर हम रात का खाना नहीं खाते, उनका हाथ का बना हुआ, तो हम तो घर पे ही खाएंगे क्योंकि पुष्पा जी ने बना दिया होगा भोजन, फिर कभी। हसीना जी आप तो आएंगी ना? देखिए अनु, हम सर, अनु सर, सिर्फ सर, सर सेलिब्रेट करना तब बनता है ना केस सॉल्व हो जाए उसके बाद, तो पहले केस सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद फिर सेलिब्रेट कर लेंगे। ये भी उचित है जी, हम चलते हैं, आप चाची जी को प्रणाम कहिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। अब रात्रि भोजन के लिए हमारे पास भी समय नहीं है, काफी कार्य शेष है। हमें खुशी है कि आपने अपना फैसला बदल लिया। मैडम सर, इसका पूरा श्रेय हमें मिलना चाहिए। अब हमारा तरीका से नहीं तो आप बताइए आपने क्या सोचा है। देखिए, हाँ ब्रजेश कहिए। हम क्या कहें, आप कहिए मैम कि करना क्या है। कल हमारी शादी है और आपने हमसे वादा किया था कि आप उससे पहले पहले हल्दी को मना लोगे। मैडम, हम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकते हैं, और अगर हल्दी हमारे माँ बाप के साथ रहने के लिए राजी नहीं हुई तो मजबूरन हमें ये शादी तोड़नी पड़ेगी। लिसन मिस्टर ब्रजेश, प्लीज काम डाउन। हम आपसे वादा करते हैं कि कल शादी होने से पहले हल्दी आपके माँ बाप के साथ रहने के लिए राजी हो जाएगी। ठीक है? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। जी मैडम सर, आपने बोल दिया लेकिन हम ये करेंगे कैसे? हाँ मैडम सर, सच बताएं तो हम भी नहीं जानते। ब्रेकिंग न्यूज, भोजपुरी टीवी जगत की मशहूर बहुरानी आज असल जिंदगी में खुद बहुरानी बनने जा रही है। जी हाँ दर्शकों, आज हल्दी की शादी है और ये बड़ी धूमधाम से और शानदार तरीके से मनाई जा रही है। और ये देखिए, लाखों दिलों की धड़कन, नई नवेली दुल्हन हल्दी यहाँ पर खुद पधार चुकी है। हेलो दोस्तों, कई साल पहले अपने माँ बाप के गुजर जाने की वजह से आज हल्दी अपने खास दोस्तों को यहाँ लेके आई है जो उनकी शादी की साक्षी बनेंगी। से आ रहे हैं हल्दी के दिल जिगर और जान, उनकी लाइफ के शाहरुख खान ब्रजेश जी, और उनके साथ आ रहे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए उनके माता और पिता। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हे भोलेनाथ, हल्दी को सद्बुद्धि देना ताकि वो मैडम सर की बात अच्छे से समझ सके। बिल्लू क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रहे हो हम भोलेनाथ जी के साथ बात कर रहे हैं? जाओ यहाँ से। और सारा स्वच्छता अभियान तुम्हें यही करना है क्या? जाओ हमारा टेबल साफ करो, जाओ जाओ। हाँ तो क्या कर रहे थे हम भोलेनाथ? हेलो मैडम, मैडम इधर आप, कितनी भी प्रार्थना कर लो कुछ नहीं होने वाला है। एक बार यहाँ से बाहर निकलने दो, उस हल्दी की सारी सच्चाई दुनिया को बता दूंगा, और सबसे पहले उसके नए नवेले पति को। कैसे इंसान हो तुम? हाँ
पति होकर अपनी पत्नी को खुश नहीं कर सकते। अब जब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपकी बिलू जी, क्या कर रहे हो? साफ सफाई कर रहा हूँ। टेबल साफ कर रहे हो कि मैदान में कुश्ती लड़ रहे हो? हाँ, वहां जाके साफ सफाई करो, जाओ। ये क्या हो रहा है वहां? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ यहाँ से चले जाओ। काम करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो प्रॉब्लम, करूं कि ना करूं? बिल्लू जाओ, बिल्लू निवास में जाओ। पुष्पा जी जाओ। डीएसपी सर आए तो बता देना। हाँ भैया, आराम से आराम ही कर रहे मुझे। कैसा आदमी है यार इसकी। भगवान, आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, फिर वही घिसा पिटा बात। आप बात समझने की कोशिश करिए, आप कुछ महीने बस उनके साथ रहकर देखिए। हम कह रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ महीने? हम उनको एक दिन बर्दाश्त नहीं करें, आप हमें कुछ महीने रहने की बात कर रहे हैं? और आप, आज हमारा शादी है, आपने शादी वाले दिन ही पुलिस को बुला लिया? ये बहुत गलत बात है ब्रिजेश। और आपको तो हम पहले ही बोले थे ना कि हम शादी के बाद अलग रहेंगे, फिर इस टाइम पर ये सब क्यों? आप हमें ऐसे धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने हमें इस बीच मजदार में छोड़ने की बात करी ना, तो हम ऐसा कड़ा कदम उठाएंगे ना जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। रुको, देखिए आप शंकर के बारे में जानते हैं?